ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के द्वारा भारत सरकार के समक्ष 10 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर 16 मार्च को होने वाले आमरण अनशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन पटना एवं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन बिहार इकाई के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पटना सिटी हितैषी पुस्तकालय भवन सभागार में मनमोहन प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जोर जुलुम के टक्कर में जोर जुलुम के टक्कर में उन्होंने संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से हम अपने डीलरों को बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमने 11/1/2023 को भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री को हमने एक ज्ञापन दिया था। ज्ञापन हम लोगों ने ये दिया था कि जिस प्रकार से आप हमको काम लेते हैं उसमें ये जो 1 फरवरी 2023 का जो आप बजट ला रहे हैं उसमें हमारी प्रमुख मांगे ये है कि जितने भी भारतवर्ष के 5,25,000 लगभग जो विक्रेता हैं वो आपको जिस समय कोविड काल का शुरुआत हुआ पिता पुत्र नहीं पुत्री माँ से नहीं भाई भाई से नहीं तमाम लोग जब दूरी बनाए हुए थे वैसे परिस्थिति में हमारे विक्रेताओं ने उन उपभोक्ताओं के को खाद्यान्न पहुंचाया, वो भी एक ई पॉस मशीन के माध्यम से हमारे थम के सत्यापन करने के बाद बताया। और इसके चलते आप जानते हैं कि लगभग 24-28 महीना में उनका चूल्हा अगर जला है तो उसके डीलर का बहुत बड़ा देन है। और इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने कहा था कि भारतवर्ष के जितने भी विक्रेता हैं उनको हमको सरकारी सेवक का दर्जा दीजिए और उसमें भी कोई बाध्यता हो तो हमको 55,000 रुपया मानदेय हमको घोषित कराइए और उसमें भी बाध्यता हो अगर उसमें भी बाध्यता हो तो आप हमको 4.60 रुपया प्रति कुंडल कमीशन जिसको बाधवा कमिटी ने भारत सरकार को आपको अनुशंसित किया है उसको लागू कर दीजिए। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 तारीख को बजट जो हमारा पेश हुआ उसमें हमारा नाम तो नहीं एक शब्द में भी नहीं लिया गया जिसको लेकर आप समझिए हमारे डीलरों में क्षोभ है और निराश है।